अच्छा तो गाइस इनके पास एक टैलेंट है, कोई भी इनको डेट पूछ लो और उनका डे बता लेंगे। 13th May 2001 संडे, संडे था हाँ। चेक कर लेना गाइस, एक और पूछते हैं राइट। 17th July 2007 ट्यूसडे हाँ, तो तुम्हें डेट्स भूलती नहीं है राइट हाँ। तुम्हें कुछ अच्छा एक और पूछ। 13th May 2003 ट्यूसडे, ट्यूसडे हाँ जी हाँ। डेफिनेट। 19th August 1982 थर्सडे। 17th September 1953 थर्सडे। होली स्मोक्स मैन, दिस गाय इज अ जीनियस राइट। सो गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स, और मेरे हाथ में आ गया है आज माइक बिकॉज मैं मिलने आ गया हूँ हम इंडिया की पायनियर फीमेल बॉडी बिल्डिंग। ये तब से बॉडी बिल्डिंग कर रही है जब इंडिया में गिनती की सिर्फ 3 से 4 फीमेल बॉडी बिल्डिंग हुआ करती थी, किसी को पता ही नहीं होता था कि फीमेल बॉडी बिल्डिंग भी एग्जिस्ट करती है। तो मैं आज उन्हीं के साथ हूँ, जब आप उन्हें देखेंगे शी इज़ ड्रॉप डेड गॉर्जियस। और अगर सोच रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये राइटर भी हैं, ये एथलीट भी हैं, जज भी हैं और एक मदर भी है। मैं खड़ा हूँ हमारी रीटा मैडम, कैसी हैं मैम आप? और इनके साथ जो खड़े हैं ये इनके बेटे हैं, कितने साल के? 32 ईयर्स के। सो हम इनके आए हुए हैं घर पे, ये कहीं से लगती नहीं मॉम, बट बहुत प्रिटी हैं, बहुत गॉर्जियस हैं और बॉडी बिल्डिंग है। इन्होंने फीमेल बॉडी बिल्डिंग को रखा हुआ बरकरार, कैसे? बाय लुकिंग फेमिनिन और एट द सेम टाइम बहुत एस्थेटिक। इनका बेटे भी इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही अच्छी फैमिली। तो इनके घर आए हुए हैं, इनका घर देखेंगे, इनके मेडल्स देखेंगे, इनकी स्टोरी जानेंगे। सो लेट्स गो नाउ। हम पहुंच गए इनके घर गाइस, अब चलते हैं अंदर और इनसे करते हैं ढेर सारी बातें, कैसे इन्होंने वो मकाम पाया और क्या इनकी जर्नी और स्ट्रगल रही है, बहुत ही मजा आने वाला है। लेट्स गो नाउ। अंदर घुसते ही हमें क्या दिख रहा है? बावेल, मतलब ऐसा वेलकम, ये तो जिम में होता है राइट। जब एथलीट को कहीं जगह नहीं मिलती तो वो कहीं ना कहीं सब चीजें फिट कर देते हैं। बाय द वे दैट वाज द पोजिंग मिरर व्हिच आई यूज्ड टू प्रैक्टिस माय पोजिंग व्हेन आई वाज कंपीटिंग, एंड आई डिडंट वांट टू पुट इट अवे नाउ एंड इट्स स्टिल देयर। आजकल मैं कभी कभी भरतनाट्यम के जो कोरियोग्राफी होती है वो उसमें चेक करती हूँ। व्हाट अ प्लेस टू डू इट। देख रहे हो गाइस, यहाँ पे ये करती हैं पोजिंग रूटीन की प्रैक्टिस साथ में वेट। वाओ, तो आप डांसर भी हैं? हाँ, मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ, भरतनाट्यम डांसर। तो देख रहे हो गाइस, सो फर्स्ट इनके मेडल्स देखते हैं, ये देख रहे हैं आप, तो ये सारे इनके मेडल्स, जबरदस्त। वर्ल्ड पीस एम्बेसडर, वर्ल्ड फिटनेस कल्चर अवार्ड्स, ओलंपिया, शेरू क्लासिक, वेस्ट कोस्ट वॉरियर्स, आई मीन हर जगह आई सी यू, आप हर जगह मेरे ख्याल से आपके पास सारे मेडल्स होंगे राइट। ओ इस साइड भी है, हांगकांग, एंड दिस इज द मैराथन व्हिच आई रैन, दिस इज द न्यूयॉर्क चैंपियनशिप इन फिगर, and this also amateur olympia, that is a Sheru classic medal which that I won, Lundhiana, that is the Arnold classic. ye to puri wall of fame hai ha, to ye hoti hai, npc championships, the glass trophy. npc to ab india mein aaya hai right? ha ha, us time to nahi tha, us time I think figure division bhi nahi tha, separately we just had bodybuilding competitions, to format bhi nahi tha, to main jaake npc mein compete karti thi. aur ye magazine covers, aap tab mein aur ab mein aapme to zameen aasman ka farak aa gaya. yes, actually aana chahiye because I feel that if you have evolved, you have done something in life, the changes to hoti hain. aap to, you're looking much younger now. My mother, she lost 2 children. She was a teacher, senior teacher, and my father was in the Air Force. Meri mother jab when she had conceived me, but unhone bahut bahut tragedies dekhi thi aur uske baad un tab tak unka mentally balance bahut bigad chuka tha aur wo bahut emotional bhi कंडीशन में थी. तो सब लोगों ने सोचा कि दिस चाइल्ड विल नॉट बी नॉर्मल. तो मेरे फादर चाहते थे कि अब मतलब कि एक
किसी तरह से हो जाए. तो मेरे फादर ही मुझे देखते थे. मदर को ने टोटली उनको होश हवास उनका खो गया था और उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती थी. लाइक उनको आवाज़ें आती थी कि दो बच्चे तो मर गए तो ये क्यों हैं, और वो उनको आवाज़ें आती थी तो हम लोगों को बहुत मार पड़ती थी जैसे कि. और मेरे फादर भी लास्ट में बहुत मतलब बहुत दुखी हो गए थे. तो रोज़ हमको, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे स्कूल भी जाती थी तो पूरी नीली पीली होती थी. और मतलब एक तरह से मुझे नेबर्स ने पाला है. और मैं बहुत वीक थी. मतलब आज आप मेरे को बॉडी बिल्डर देख रहे हो तो एक्चुअली आई वॉज वेरी फ्रेजाइल. मैं इतनी वीक थी कि क्योंकि कोई केयर करने वाला नहीं था तो कहीं कुछ भी कहीं भागने वागने का होता था तो मैं हमेशा लास्ट होती थी और सब मेरा मजाक उड़ाते थे. शुरू शुरू में बहुत वीक थी लेकिन अंदर मेरी स्पिरिट बहुत वो स्ट्रांग थी. और मेरे लिए द ओनली वे कि जिस तरह से मुझे लव एंड अफेक्शन मिले तो मुझे एक ही रास्ता लगता था कि मैं कुछ अचीव करूँ. सो शुरू से मैं जैसे कि म्यूजिक में या स्कूल में भी एकेडमिक्स में हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर भी, बड़ी सिस्टर भी है, तो हम लोग हमेशा टॉप करते थे और हम लोग बहुत अचीवर्स थे. और स्कूल में भी मैं स्कूल कैप्टन थी. हर जगह बहुत सारी म्यूजिक में और बहुत सारी एक्सटेम्पोर स्पीच में. अब तो अब आपको देखती हूँ तो लगता है कुछ हमारा एक्सटेम्पोर स्पीच कुछ नहीं था लेकिन स्कूल में और यू नो दैट वे कोई भी राइटिंग हो, एकेडमिक्स हो, उसमें हम लोग बहुत एक्सेल करते थे. और थोड़ा मैं क्योंकि तमिलनाडु में पली बड़ी हूँ तो भरतनाट्यम मैं उस टाइम करती थी. बहुत साल मैंने सीखा, 8-10 साल सीखा. बेलगाम में भी सीखा, बेलगाम में और भी डांस, गांधर्व महाविद्यालय में हमने डिफरेंट क्लासिकल फॉर्म सीखे थे. तो उस पे मैं आर्टिस्टिक भी बहुत थी. और फिर उसके बाद 12th आई, तब तक मेरी मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और मेरे फादर बहुत ओल्ड हो गए थे. घर में रोज बहुत मार पड़ती थी और वो चीखती थी. मतलब यहाँ तक था कि वो बाहर जाके भी बहुत चीखती थी. मेरा एक ही मकसद था कि मैं मेडिकल साइंस करना चाहती थी, तो खासकर साइकेट्री में मेरे को इंटरेस्ट था क्योंकि मैं देखती थी कि मम्मी रोज मार पड़ती है. बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था, अब तो कहने में ऐसा कुछ लगता है. हर तरफ से आइसोलेशन थी, नेबर्स भी. उस टाइम एक ही चीज़ होती थी, पागल और नॉट पागल, दैट्स ऑल. उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. और मैं भी रिबेलियन वाली एज में थी, यू नो, टीनेज और वो यंग एज, जब हम अंडरस्टैंड नहीं करते थे कि जो ये कर रहे हैं इनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है. यू नो, हमें ऐसे एक रिबेलियन लगता था कि हमारे साथ, मतलब मैं एक चाइल्ड हूँ, मेरे साथ सबके मदर्स तो खाना बना के खिलाती हैं और सब कुछ होता है, तो हमारे साथ क्यों नहीं होता. तो ये एक मतलब एक रिग्रेट और रिबेलियन था क्योंकि मैं इतनी इवॉल्व नहीं थी स्पिरिचुअली. लेकिन फिर उसके बाद फिर जब मेरी मैरिज हुई और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मुझे पढ़ने देंगे, लेकिन फर्स्ट डे से ही उन्होंने, जैसे ही मैं पढ़ने बैठती थी तो वो उनका रोना धोना शुरू हो जाता था. वो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी और मुझे लगा कि मैं आई एम स्टक और मेरा जो एक अस्तित्व है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैं इतनी हाई अचीवर थी और वो बस चाहते थे कि मैं बस झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और उसके बाहर कुछ भी ना करूँ. और मेरे हस्बैंड तो बस एक महीने बाद शिप पे चले गए और फिर वो 11 मंथ्स बाद आ. जब ये बॉर्न पैदा हुआ और मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा ब्लड डिसेंट्री और बहुत सिकनेस इसको होने लगी तो वो इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते. कहीं ना कहीं ऐसा लगता था वो लोग चाहते हैं कि बस मैं मरी जाऊं ताकि दहेज आए, दूसरी लड़की आए. सब लोग ऐसा लगता था यही चाहते हैं और बहुत मुझे कंडेम करते रहते थे और बोलते रहते थे इसकी माँ तो पागल थी, इसको घर में खाने के लिए नहीं मिला. मुझे भी प्रॉपरली खाना वाना तो भूल ही जाओ. मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, इतनी फ्रेजाइल, 3 या 4 घंटे की नींद मिलती थी और इतनी फ्रेजाइल हो गई थी कि बैठी हूँ तो खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी हूँ तो बैठ नहीं सकती, दर्द होता था कमर में. तो फिर मैंने अपने फादर को एक, उस टाइम 25 पैसे का इंग्लैंड लेटर आता था, उसमें वो 25 पैसे चोरी करके सर्वेंट से इंग्लैंड लेटर खरीदवाया और उनको बोला कि आई विल डाई हियर, जाके यहाँ से ले जाओ. फिर मेरे फादर आए, मुझे लेके आए और वापस मैं उसी घर में. इतने टाइम में ये हो गया, होने लग गया था कि 6-7 महीने का था. और फिर मैंने देखा कोई आई कॉन्टेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है. इसके फिजिकल माइलस्टोन्स नॉर्मल थे लेकिन फिर देयर वर थिंग्स जो हम देख रहे थे कि कुछ तो आउट ऑफ प्लेस है. और फिर मैंने इसको डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया तो डॉक्टर्स ने बोलते देखते थे कि हियरिंग प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा और वक्त काटो, इसको स्टिमुलेशन दो. पर मैं बहुत क्वाइट हो गई थी और हमारे घर में यहाँ पे भी माहौल ठीक नहीं था. फिर मतलब फिर किसी ने मुझे ऑटिज्म के बारे में बताया और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहे थे तो मेरे लिए वो टाइम जो था बहुत ट्रोमेटिक था कि अब मेरे लिए हर तरफ से रास्ते बंद हो गए, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड. यहाँ ऑटिज्म के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी और उन्होंने मेरे को काफ़ी लिटरेचर भेजा. उस टाइम तो इंटरनेट नहीं था. ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसमें कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी होता है. उसमें ज़्यादातर जो है लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते सोशली, सोशल मतलब सोशली दे आर लाइक काइंड ऑफ नॉट कंपैटिबल
और अपने आप को अडैप्ट नहीं कर सकते सोशल कंडीशंस में. उसमें फिक्सेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है, जो कि इसको अभी भी बहुत स्ट्रांगली है, और हमने इसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया है सो दैट हार्मनी हो, कि एक चीज़ के बारे में बहुत एक्सट्रीम ऑब्सेशन हो जाता है. और जब बच्चे छोटे होते हैं तो अगर उनसे वो चीज़ ऑब्सेशन की ले लो तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं. और कहीं ना कहीं मेरे को 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं हम लोगों को अलाउ करना पड़ता है कि ठीक है, दिस इज़ द थिंग, कि जहाँ इसके आगे करेंगे हम कोशिश करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा. तो एक लिमिट के बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है. और मैंने बहुत रिसर्च करी, लाइब्रेरीज में जाके बुक्स लाके, और शायद इतनी इतनी बुक्स मैं लेके आती थी, और मैंने पढ़ के इसको पढ़ाया. बाहर की कंट्रीज में ऐसे बच्चों को दे ट्राई कि नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल्स में उनको साथ में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, स्पेशल चाइल्ड है. तो मैंने DPS में उनको ये भी बोला कि मैं भी वॉलंटरी वर्क करूँगी, आई विल कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन आई टेक. तो वो 12 ईयर्स जो मेरे स्कूल में थे, खासकर जब तक इसने बोर्ड एग्जाम नहीं दिया, तो वो लोग ऐसा सोचते थे कि वो लोग मेरे ऊपर एक फेवर कर रहे हैं, यू नो. तो मुझे बहुत डिप्रेस होकर रहना पड़ता था. ये भी एक एक्सेप्टेंस और सरेंडर होता है टू गॉड, की 100% जो है कि लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, और एट द एंड ऑफ द डे वी वॉन्ट कि हमारी लाइफ हैप्पी हो. बहुत सारे नॉर्मल लोग भी हैप्पी नहीं है. हम इनको ये सिखाते हैं कि खुश कैसे रहना है और एक्सेप्ट कैसे करना है, ये सिखाते हैं कि जैसे ये सबसे बड़ी बात, खुश कैसे रहना है. और मैं ऐसे ऊपर देख के भगवान को बोलती थी, जितने चैलेंजेस देने हैं दो, मैं तो आई विल स्माइल, क्या कर लोगे, यू नो, लाइक यू हैव टू थिंक लाइक दैट, कि आप चूज कर सकते हो कि मेरे पास दुख तो है, वो तो रहेंगे, लेकिन मैं खुश कैसे रहूं. तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी डिस्पोजिशन हैप्पी है, तो आप हैप्पी रहोगे, यू नो. तो यू कैन चूज टू बी हैप्पी. ही स्ट्रांग है ना भाई बेटा. मैं तो आई एम श्योर बॉडी बिल्डिंग तो मस्त है, मिलने का पीस ऑफ केक फॉर यू, कि यार मतलब ये तो जस्ट अनदर स्पोर्ट ऑफ है. बहुत रीजंस है कि मैं कर पाई हूं. ये जब ये 15 साल का हो गया था, अब तक तो मैं इसको सिखा रही थी ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो. और जब ये अराउंड 10th में था, इसने बोला, मुझे वो फिल्म स्टार्स देखता था हमारे टाइम पे, तो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, अमोल पालेकर, ये होते थे. अब जब ऋतिक रोशन को इसने देखा था, इसने बोला कि आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट. तो मुझे एक बात ये लगी कि ये इसने बोला है, देयर इज द फर्स्ट टाइम समथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम. तो मुझे लगा कि इट इज माई ड्यूटी कि मैं इसको जिम लेके जाऊँ. तो एथलेटिक तो मैं थी, क्योंकि मैं स्विमिंग करती थी, स्केटिंग कॉम्पिटिशन इसी के साथ किए, इसी समझो इसी ने मुझे बनाया है. अगर आपके काफी गुस्सा था चीज़ों को लेके, मतलब बॉडी बिल्डिंग ही क्यों अपने चूज करी? नहीं, बॉडी बिल्डिंग था कि मुझे एक बात ये थी कि जो मैं बनना चाहती थी लाइफ में, सबसे पहले तो मैं वो बन नहीं पाई. आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर. मेरे अंदर बहुत फायर थी और टू अचीव अ लॉट इन लाइफ, और मैं बिकॉज ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस, पहले बचपन में जो परिस्थितियाँ थी, और फिर इन मतलब बेटे के होने के बाद, मैं अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाई. इन द आई हैड टू ऑलवेज डिपेंड ऑन माई फादर और यू नो समबडी, की अगर मैं 24 घंटे इसको देख रही हूँ, अगर मैं जाके जॉब करती हूँ तो फिर इसको कौन देखेगा. पहले मैं खुद जाती थी, ट्रेनिंग करती थी, तो मैं फोटो वोटो खींचने वाला कोई नहीं था. अब ये मेरे साथ जाता है, मेरी सारी वीडियोस फोटोज बनाता है, तो उसको मतलब, और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मेरा अपना बेटा कर रहा है, मुझे कोई, मैं पूरा करती हूँ. और उसके बाद फिर ये इसको ड्राइव पे डाल देता है, तो उसमें से फिर मैं पिक कर करके. तो अपनी मम्मी का इंस्टाग्राम हैंडल भी मैंने. जी, दूर बहुत लार्ज एक्सटेंट. वीडियोस अपलोड तो कर ही लेता, देखता हूं क्या-क्या सही कर रहा है. जैसे मैं आर्टिकल्स लिखती हूं, तो मैं आई एम लिटिल ओल्ड स्कूल, तो मैं पूरा रजिस्टर में लिखती हूं, उसके बाद ये पूरा इसका टाइपिंग का काम इसका है. तो तुम्हारी मतलब तुम मम्मी की फोटो भी खींचते हो, कौन सी मम्मी की मस्कुलर होनी चाहिए, कौन सी फोटोग्राफ अच्छी, तुम डिसाइड करते हो? जी, हम मिलकर डिसाइड करते हैं. बात डिप्लोमेटिक आंसर है भाई. तुम फोटो मम्मी, मतलब ये पहली बार ऐसा होगा कि मैं देख रहा हूँ कि मम्मी बॉडी बिल्डिंग कर रही है और बेटा जो है वो फोटो खींच रहा है मम्मी की, ताकि वो इंस्टाग्राम पे डाल सके. यूजुअली तुम्हें पता है ना, आजकल 17-18 साल के लड़के बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, कोई उनका दोस्त वो फोटो खींच रहा होता है, लेकिन तुम पहले ऐसे बेटे हो जो अपनी मॉम की बॉडी बिल्डिंग करते हुए फोटो खींचे, तुम्हें पता है? वो बात तो है, लेकिन ठीक है, चलता है. तो मैं इसको मतलब म्यूजिक भी सुपर इम्पोज करता है, और मतलब बहुत सारी मेरी भरतनाट्यम की भी जो वीडियोस, मैं भी इतना डालती नहीं, लेकिन हमें भरतनाट्यम के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि कोरियोग्राफी और असाइनमेंट्स मिलते हैं कि आपने ये अभिनय वगैरह होता है, तो ये पूरा सुपर इम्पोज करना, यहाँ पे भी मैं बैठ के कभी कभी कोरियोग्राफी करती हूँ, उसको पूरा रिकॉर्ड करना. और कल की आपको मैं एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ. मैं चेस्ट प्रेस कर रही थी, और ये सुन सुन के तो पक गया है, तो जब मैं बेंच प्रेस कर रही थी तो ये तयुमता तयुमता साथ साथ बोल रहा था.
मैंने बोला कोई बात नहीं, म्यूजिक सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो इसको सारे मेरे बोल, मेरे जो श्लोक है विनयसा योगा के, जितने भी सारे श्लोक है मुद्रास के, पूरे इसको याद हो गए हैं। जब मॉम और बेटा दोनों दोस्त बन जाए ना, तो कुछ कुछ बॉन्ड ऐसा हो जाता है जो बहुत ही कूल होता है यार, क्योंकि आपने बाप बेटा देखे होंगे कि इकट्ठे वर्कआउट कर रहे हैं, राइट? लेकिन मॉम और बेटा बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है जब मॉम बॉडी बिल्डर बनी। डेट्स तुम्हें याद रहती हैं सारी? पूरी डेट्स याद रहती हैं। अच्छा, तो गाइस इनके पास एक टैलेंट है, कोई भी इनको डेट पूछ लो और उनका डे बता ले। सो अभी तो बताया था 6 मई 1996 और 14 जुलाई 1997। ओह शिट। ओके, मैं एक और पूछ रहा हूं, राइट? 13 मई 2001 संडे था, चेक कर लेना गाइस। एक और पूछते हैं, राइट? 17 जुलाई 2007 ट्यूसडे, दिन में कैलकुलेशन भी कर लेते तुम ऐसे। ग्रुप ऑफ डेट्स होती है, जैसे कि एक डेट से सिमिलर इक्वल कुछ डेट्स होती है, सीक्वेंस कंटिन्यू होता है, फिर हर एक डेट ईयर पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो तुम कोई भी, तो लेकिन स्टार्टिंग हमें मार्च से रहना होगा और जनवरी फरवरी प्रीवियस ईयर पे डिपेंड करते हैं। देखो कैसे, इज अ जीनियस। आप कोई भी इनको डेट देंगे, उसका डे बता देंगे कौन सा है, जैसे मैं आपके सामने पूछता हूँ, राइट? 6 सितंबर 1977 ट्यूसडे। मुझे पता नहीं वो सच हम सही होगा भाई, इतना कॉन्फिडेंट नहीं कह रहे हैं, राइट? ट्यूसडे ही है। 23 दिसंबर 1999 31 दिसंबर जो था 2001 का क्या डेट? मंडे। उस दिन हम मेरिडियन भी गए थे, वो याद है इसको। ये ना मतलब 20 साल पहले भी उस पर्टिकुलर डेट को हमने क्या किया था, जैसे कोई गाना सुनता है, कहता है इस डेट को हम इस, ये मतलब यहाँ से वहाँ कार में जा रहे थे और कार में ये गाना चल रहा था, ये पूरा बता देता है। वो मेरिडियन जब तुम गए थे, तो कौन सा गाना चल रहा था? एक तो हर तरफ तेरा जलवा, एक वो चल रहा था दिले बिंदी का, और कहते और भी निम्नलिखित इंग्लिश और पंजाबी गाने की डीजे बज रहा था, ये भी मैं याद है। तेरी इसे 2003 35 दिसंबर उस टाइम में भी अमेरिकन गए थे, 2002 में भी, 2001 में मंडे ट्यूसडे, 2002 में, 2003 में वेडनेसडे और 2004 में फ्राइडे 31 दिसंबर। 2004 में ना हम एक्चुअली वो शिफ्ट हो गया था नेपोलियन में, अंडरग्राउंड जो था ना बेसमेंट में, वहाँ पर अमेरिकन में पार्टी चल रही थी। तो 2010 6 सितंबर को तुम क्या कर रहे थे? तो 6 सितंबर तो मंडे को ना, वो वहाँ पर वो तैयारी कर रहा था ना न्यूकासल जाने की, थोड़ी बहुत उसके लिए थोड़ी बार देख रहा था, थोड़ा बहुत नया लैपटॉप भी आया था, लेकिन वो भी अभी नहीं चल रहा। कलर शर्ट का कलर चेंज किया है, फिर एक्चुअली वुल्वरिन की मतलब ये सब नहीं था ना, मैंने ये भी ड्राइंग करी है। सुपर टैलेंटेड है भाई, सुपर टैलेंटेड। स्कैन टाइप हो गया और फटाफट, बट उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद बस जो ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस वगैरह होती है, उसमें ये लोग ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनको ऐसा टैलेंट होता है, और उसमें वो जैसे कि वो कोड डिसाइफर वगैरह करना होता है ना, तो उनको नंबर्स से बहुत कॉम्प्लिकेटेड याद हो जाते हैं। हाँ, तो मिशन इम्पॉसिबल में देखने को मिलता है, उसने एक बार देखा क्या करा उसने, फट से नंबर याद हो गया, आपको बहुत मजा होगा हमारी रीटा मैम से मिलकर। आप सोच सकते हो 20 साल इन्होंने दे दिए अपने बेटे को, इन्हीं बेटे को लोग इनको पागल बोला करते थे, इनको भी बोलते होंगे, इनको भी बोलते होंगे इनको, इसलिए बिकॉज जो ऑटिज्म जो बीमारी होती है ना गाइस, वो बहुत ही गंदी होती है, बिकॉज आपके एक्सट्रीम बिहेवियर्स होते हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप अपने आप को समझा ही नहीं सकते, आप कोई बात कर रहे हो मुझे समझ ही नहीं आएगी, और इन्होंने वो जिद पकड़ ली कि मैं इनको ठीक करके ही रहूँगी। ठीक करा, 20 साल लगा दिए अपना प्राइम यूथ इन्होंने इनको ठीक करने में लगा, रही ठीक हो गए, और जैसे भी इन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया और क्या बन गया, अपने मॉम के अच्छे दोस्त बन गए। अब दोनों मॉम और बेटा, वहाँ बेटा दोनों मस्ती करते हैं, साथ घूमते हैं, साथ फिरते हैं, साथ जाते हैं। गाइस इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है? आप समझ सकते हो कि बॉडी बिल्डिंग करती हैं 52 ईयर्स की एज में, देख रहे हो 32 इनका सन है, अपने आप को फिट रखते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक ही मैसेज दूंगा गाइस, इट्स नेवर टू लेट। कभी ये मत सोचना कि आप लेट हो गए हो, कि आप कुछ कर नहीं सकते, ये कर रही हैं, सब चीज़ें करती हैं बॉडी बिल्डिंग के अलावा, और ये कहाँ से लगती हैं 52 की, ये कहाँ से लगते हैं 32 की, देख रहे हो। ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम है, इन दोनों को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लोगों का प्यार चाहिए, और चाहिए कि इनको एक्सेप्टेंस चाहिए, हम सबको एक्सेप्टेंस चाहिए लाइफ में, कि हम जो कर रहे हैं ना आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो, डोंट ट्राई टू चेंजेस, बिकॉज ये भी बहुत अनकन्वेंशनल है कि आजकल फीमेल बॉडी बिल्डिंग को कौन पूछता है कि यार ये तो फीमेल बॉडी बिल्डर है, तो ये लेती होंगी, तो वो करती होंगी, राइट? आपको भी सुनने को मिलता होगा, राइट? अरे तो आदमी लग रही है ये, तो ये है, राइट? लेकिन आप उससे बाहर आएंगे। इन्होंने भी बचपन में बहुत सा होगा, करे तो ऐसा है लोग पागल बोलते होंगे, राइट? बट गाइज अब एक ऐसी फेज आ चुका है इनकी लाइफ में
कि यू मस्ट रिस्पेक्ट देम. इन्होंने वो कर दिखाया जो शायद बहुत कम लोग करते हैं, विच इज़ चेंज एवरीथिंग. जो आपने भगवान ने दिया, भगवान उन्हीं को देता है जो उनका टेस्ट ले सकते हैं और जो पास हो सकते हैं. तो आप दोनों जिसे कहते हैं आप तो जिंदा मिसाल हो. हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू रीटा मैम, बोथ ऑफ यू. आप जो कर रहे हो ट्रूली ट्रूली ह्यूज रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम. आई एम श्योर आपको मजा आया होगा और इंस्पायर हो गए होंगे. और मैं मिलूंगा आपको अपने अब नेक्स्ट एपिसोड में.